हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया था अपने कामों में, इसलिए मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, जितनी जल्दी मैं आपका कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स जो है, जो भी बचा हुआ है, छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जितने भी जहाँ से वो एरिया मैंने कवर करा दिया है। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, अगर आपका हो गया पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पूरा जो अपवाहतंत्र है मैंने कंप्लीट करा दिया है, और ऐसे साथ साथ आपका जियोग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। तो जितने भी एरिया जो जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमने कवर करा दिया है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो है आप छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स का है जो एक वीडियो बनाई है। तो करंट अफेयर का क्या होता है दोस्तों, हर महीने क्या है, एक विकास परख का आता ही है आपका मैगजीन। तो मैंने अपने वेब जो है फेसबुक पेज में, जो कि अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज मेरा बना हुआ है, उसमें मैंने इस माह के पूरे जितने करंट अफेयर थे उसका फोटो खींच कर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आप लोग में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन जैसे मैंने अपलोड किया है तो उसको मुश्किल से व्यूज़ जो है या लाइक जो है 4-5 लोगों ने किया है, मुश्किल से 10-12 लोगों ने किया। तो आप लोग डिमांड तो करते हैं, लेकिन उस चीज़ को देखिए जो मैं आपको भेजता हूँ, उसको आप एक बार व्यू कर लीजिए। एक बार आप मेरे पेज में जाके उसको देख लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा हर माह जो होता है तो मैं अपने वेब जो है फेसबुक पेज में है वहीं अपलोड करूँगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ रिटर्न नोट्स जो बहुत मुझे अच्छे लगे थे उसका जो है लिंक वहाँ से फेसबुक पेज में अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जो भी मैं सोशल नेटवर्क में आप जो भी को अपलोड करता हूँ, तो आप भी थोड़ा एक्टिव रहिए। आप सिर्फ ये नहीं कि बोलिए कि आप सर दीजिए, आप मैं जो देता हूँ उसको भी आप लेने की कोशिश करिए। तो चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के साहित्य जो है, तो साहित्यकार और इनकी रचनाएं। ये छत्तीसगढ़ का जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन तो इस पार्ट से आने ही तय हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं साहित्यकार और इनकी रचनाएं जो है, वो भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग एकदम सेलेक्टेड को पढ़ेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ पे मैंने रेड कलर का सर्कल में गोला बनाया हुआ है वो बहुत बार आ चुके हैं और एकदम इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप, अगर आप नोट्स बनाते हो मेरे साथ साथ, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ जो मैंने बोला कि अगर जिस किसी ने भी फेसबुक पेज लाइक नहीं किया हो जाके लाइक कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और साथ साथ आपके क्वेश्चन का, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उसकी रचनाएं। तो इनमें एक एक करके चलेंगे। पहला साहित्यकार आपका हो जाता है लोचन प्रसाद पांडे। तो इनके जो कलिकाल थे 1905 में आई थी इसकी रचना, ये बहुत ज़्यादा है वो है हाईलाइटेड है, फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग आएंगे एक साथ, मैंने ऐसा अरेंज किया है कि पांडे पांडे पांडे, मतलब इस तरह से हम अरेंज करेंगे ताकि ये आपको याद रखने में आसानी हो। तो लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, ये तीनों मैंने एक साथ अरेंज करके लिखा हुआ है। तो पहला आपको लोचन प्रसाद पांडे में याद रखना है कलिकाल, और अगर कलिकाल 1905 में आए हैं। उसके बाद बंशीधर पांडे में आपका हीरो की कहनीज, मुकुटधर पांडे में आपका कुर्री के प्रति, और उसके साथ साथ मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी अनुवाद इन्होंने किया था मुकुटधर पांडे। तो ये आपका थोड़ा सा ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आएंगे हम लोग नारायण सिंह दास वैष्णव। तो इन्होंने शिवायन जो है, इनकी जो रचना का नाम है वो शिवायन, और निरुपमा शर्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपने एनसीईआरटी के अलावा अगर सीजी बोर्ड की अगर बुक में देखोगे तो आपको ये जो लेखिका है निरुपमा शर्मा, ये साहित्यकार जो इनकी आपको वहाँ पे नाम दिखेगा, तो आप एक बार वहाँ पे आप जाके कोई से बुक में टेक्स्ट बुक उठा के आप देखोगे तो इनका नाम विशेष तौर पर लिखा गया है। तो निरुपमा शर्मा जो है, इनकी जो रचनाएं हैं वो पतरेंगी और बूंदों का सागर। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे केयूर भूषण, तो इसकी है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, साथ साथ कहाँ बिलोगे मोर धान की कटोरा, ये एक एक अलग अलग है, साथ में नहीं है। पहला ये हो गया राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, उसके बाद कहा बिलोगे मोर धान की कटोरा, और तीसरा है आपका फुटहा करम। तो ये है आपका तीन हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा आपको शिव कुंवर जो है शुक्ल, और इसका हो गया देना के अंजोर और मोगरा, ये दोनों।
उसके बाद केदार ठाकुर, ये है आपका बस्तर भूषण और बस्तर का खूनी इतिहास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना ये नाम केदार ठाकुर, जो बस्तर भूषण और बस्तर के खूनी इतिहास, दो रचनाएं इनकी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे जो है आपका हरि ठाकुर, उसमें आपका जो है रचना वो जय छत्तीसगढ़ और सुरता के चंदन। आगे आएंगे राम दीवाल तिवारी, तो ये राम दीवाल तिवारी गांधी मीमांसा, जो इनको हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ते हैं, जब छत्तीसगढ़ में आए थे आपका गांधी जी आए थे, तो बिलासपुर में जब आए थे तो बिलासपुर के गांधी चौक में जब ये भाषण दे रहे थे महात्मा गांधी जी, तो राम दीवाल तिवारी वहाँ पे मौजूद थे और उनसे जो है इतने प्रभावित हुए और उन्होंने उनके भाषण से ही प्रभावित होकर ये जो रचना की थी गांधी मीमांसा, तो ये जो रचना थी राम दीवाल तिवारी ने की थी। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग राजेंद्र तिवारी, तो राजेंद्र तिवारी का है भुइयां के पाकी चुंदी। उसके बाद लखनलाल गुप्त के इतनी सारी रचनाएं हैं, उनमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है सोन पातर, सुआ हमर संगवारी, हाथी घोड़ा पालकी, चंदा अमृत बरसाइस और सरस के डोला आइस। तो ये आपको एक तरह से ये सारी चीज़ को तो रटना ही पड़ता है, तो आप देख लीजिए आपसे कैसे याद होते हैं, एक बार याद कीजिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, मैं तो ज़्यादातर प्रैक्टिस ऐसे ही करता था कि व्हाइट बोर्ड ले लिया था और उसमें जितना भी याद करता था उसको बिना देखे राइट लिखने की कोशिश करता था, तो आप ऐसा थोड़ा सा भी ट्रिक आप लगा सकते हो। उसके बाद आगे आएंगे हम लोग प्यारे लाल गुप्त, इसमें है आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ और लवंग लता। श्रीकांत वर्मा, तो इनकी जो रचना है उसका भटका मेघ और मगध। नरेंद्र देव वर्मा, तो इनकी जो रचना है सोना विहान, सुबह की तलाश, अपूर्वा और मोला गुरु बनई लेते हैं। दानेश्वर शर्मा, इनकी जो रचना है छत्तीसगढ़ के लोकगीत बेटी की विदा और लव कुश। दानेश्वर शर्मा के बाद आते हैं आपका पालेश्वर शर्मा, तो पालेश्वर शर्मा के जो है ये थोड़ा आध्यात्म या भक्ति भक्ति वाली जो है रचनाएं ज़्यादा कर देते हैं, तो इसमें से जो थे एक वो है आपका डिडनेश्वरी दर्शन, छत्तीसगढ़ दर्शन, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, साथ साथ तीरिया जन्म धन जन देव देवे, और ये है आपका गोरसी की गोट, प्रबंध पाटल, और इस तरह से आप ये जो सारे चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई जो आप एक एक करके याद रख सकते हो। उसके बाद आएगा आपका कृष्ण कुमार शर्मा, तो कृष्ण कुमार शर्मा कुल के मर्जा जो है इसकी रचना। उसके बाद शेषनाथ वर्मा में आएंगे, तो शेषनाथ वर्मा की रचना है आपका तिरिया के जाल और नारी हृदय का जीवन चरित्र। उसके बाद आएंगे हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो इनकी तो आपको हर रचनाएं जो है आपको याद रखनी है विशेष तौर पे, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा है जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो है आपको मैंने थोड़ा सा क्राइटेरिया में बांट दिया है कि उपन्यास पत्रिका ऐसे करके, ताकि अगर आपको पूछा जाए तो उनमें से भी आप एक एक करके आप उसमें लिख सकते हैं। तो पहला है आपका दान लीला, उसके बाद रामायण का छत्तीसगढ़ अनुवाद जो है इन्होंने किया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ अनुवाद किया था मुकुटधर पांडे ने, जो जैसा कि मैंने पहले बताया है, और ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने रामायण का छत्तीसगढ़ अनुवाद किया था। इनकी जो उपन्यास थी उनमें से था सच्चा मित्र, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, करुणा पच्चीसी, पार्वती परिणय और सीता परिणय, तो ये जो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आते हैं पत्रिका में, तो पत्रिका में इसका था दुलरवा, और ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में था। इसके साथ साथ जेल पत्रिका, तो जेल पत्रिका जो था श्री कृष्ण जन्म पत्रिका थी, और ये जो था हिंदी में था। इसके बाद आगे साहित्यकार जो होंगे आपका होगा परदेसी राम वर्मा, इसका जो था वो था आपका रचनाएं जो थे मैं बैला नोहा और आवा। इसके बाद आते हैं आपका माधव राव सप्रे, तो इसका जो है रचना इनकी जो है रचनाएं थी स्वदेशी आंदोलन का जो है बायकॉट, और बैरिस्टर छेदीलाल का हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास, तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन का बायकॉट है माधवराव सप्रे का, बैरिस्टर छेदीलाल का है हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास, और पंडित रविशंकर शुक्ल का है आयरलैंड का इतिहास। तो इस दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बैरिस्टर छेदीलाल में आपको याद रखना है हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास, और पंडित रविशंकर शुक्ल में याद रखना है आयरलैंड का इतिहास। पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी में आपका
सरस्वती, झलमला और कारी याद रखना है विशेष तौर से, ये इम्पोर्टेंट जो है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर सेठ। तो ये जो है डॉक्टर शंकर सेठ, इनकी जो रचना है घरौंदा और दहिया। उसके बाद आएंगे श्यामलाल चतुर्वेदी। तो श्यामलाल चतुर्वेदी जो है इनकी जो रचनाएं हैं आपका पर्रा भरलाई, उसके बाद आपका सतवंती सुकुमारी, भोलवा भोला राम और राम वनवास। तो ये सारी चीज़ रचनाएं जो हैं श्यामलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, आगे जो रचनाकार है कपिलनाथ कश्यप की जो रचनाएं हैं उनमें पहला है आपका गुरावट विवाह, उसके बाद अंधियारी रात। इसके बाद आगे चलेंगे सरयू प्रसाद त्रिपाठी। सरयू प्रसाद त्रिपाठी का जो है रचना वो मधु शिखर। इसके बाद हम लोग आएंगे मेहंदी प्रसाद पांडे, ये जो है कचहरी। तो साथ साथ ये जो मैंने जितने भी आपको साहित्यकार और रचनाएं लिखी हैं यहाँ पे, वो आप वीडियो को देख देख के आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और जो रेड सर्कल में घेरा हुआ हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देता हूँ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है आपका चांद का मोत टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस, उसके बाद आपका आता है आपका लाला जगदलपुरी। तो इसमें है आपका बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास। तो ये आपको याद रखना है कि जो केदार ठाकुर था वो बस्तर भूषण और बस्तर की खूनी इतिहास आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए बस्तर की संस्कृति का इतिहास, तो आपको याद रखना है लाला जगदलपुरी। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये दोनों चीज़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केदार ठाकुर और लाला जगदलपुरी में। खूबचंद बघेल, तो इनकी जो रचना है खूबचंद बघेल की, इनमें है करम चढ़ाव, ऊंच और नीच और लेरगा सूजा। इसके बाद आएंगे हम लोग सीधे, ये सारी चीज़ जो है आप वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइएगा, आपको सारी चीज़ जो है मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ लीजिएगा, ये भी अगर आपको कभी पूछा जाए तो। इसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे गोपाल मिश्र में। तो गोपाल मिश्र की जो रचना है आपका भक्ति चिंतामणि, जैमिनी, अश्वमेघ, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है गोपाल मिश्र की, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी और अश्वमेघ। इसके साथ साथ आपका राम प्रताप, सुदामा चरित्र और खूब तमाशा। तो खूब तमाशा तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। फिर आते हैं बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम की जो रचनाएं हैं उसमें है तारीखे है वंशी, विक्रम विलास, और विक्रम विलास जो है हिंदी में है। उसके बाद आते हैं कृष्ण लीला, और ये सारी चीज़ें जो है ये हिंदी में थी। इसके बाद इन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की थी। तो संस्कृत की रचनाएं में आपका है गीता माधव, गंगा लहरी, नर्मदा अष्टक, और है नर्मदा अष्टक हो गया ये, और रामायण सार, ब्राह्मण स्रोत। और लास्ट जो आपका जो कवि है आपका लक्ष्मण जो है कवि, उसका है घोसला वंश प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब जो प्रशंसा में, किसी के वंश की प्रशंसा में जो रचना होती है उसको हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊँ। अगर मैं वीडियोस नहीं लाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना चैनल छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे कुछ ना कुछ व्यस्तता आ जाती है, या कुछ मेरे मेरे भी ऐसे काम हो जाते हैं, या मैं भी अपने जो है आगे की तैयारी कर रहा हूँ पढ़ाई का, तो ऐसे बहुत सारे काम आ जाते हैं जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं बना रह सकता। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, जो हिस्ट्री का क्लास छूटा हुआ है इंडियन हिस्ट्री का, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ अभी मेरा प्लान है कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हम लोग बहुत अच्छे से क्लास लें। तो अब आप लोग आगे बने रहिए दोस्तों, और जिन्होंने भी वीडियोस शेयर नहीं कर रहे हैं वो लोग शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि ज़रूरतमंदों को ये अगर ये वीडियो मिला तो उनको उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।